सीरियल उड़ने की आशा में होश में आते ही परेश लेगा बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि फाइनली परेश की जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो जाती है और इसे होश भी आ जाता है। वहीं पर परेश को आधी होश में ये पता होता है कि उसके कलाई पर धागा बांधा था, वो भी सायली ने। वहीं देखने को मिलने वाला है कि डॉक्टर भी कहते हैं कि हमारा काम तो सिर्फ सर्जरी करना था, लेकिन उसके बाद जो चमत्कार हुआ है ना, एक बार तो उनकी सांसें रुकी गई थी लेकिन उसके बाद शायद कोई चमत्कार ही हुआ है। और परेश यहाँ पर जो है होश में आ जाता है, देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ परेश जैसे होश में आता है सायली को ढूंढते नजर आता है और यहाँ पर सायली को कोई देखना भी पसंद नहीं कर रहा होता क्योंकि वो सभी लोग उसी को ब्लेम कर रहे होते हैं परेश की कंडीशन के लिए। लेकिन तभी देखने को मिलता है कि परेश बहुत बड़ा फैसला लेते नजर आता है और वो ये कि अब जो है घर को बंटवारा होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर घर का बंटवारा करेगा परेश और तीनों ही बेटों को अपने अपने जो पैरों पर खड़ा होने के लिए, और यहाँ पर साफ साफ बंटवारा कर देगा क्योंकि वो अब नहीं चाहता कि आकाश और तेजस ने जो घटिया हरकतें की हैं और यहाँ पर जो है वो सायली और सचिन के साथ रहने का फैसला कर लेता है, जिसके बाद यहाँ पर तेजस के उड़ जाते हैं। और साथ में ही अब जब यहाँ पर रेणुका जो कि अब परेश के बिना नहीं रह सकती और इसीलिए अब यहाँ पर सचिन और सायली के साथ रहने का फैसला करेगा परेश और साफ साफ रेणुका को कह देगा कि अगर तुम्हें अपने बेटे तेजस के साथ रहना है तो तुम वहाँ जा सकती हो, लेकिन मैं सचिन और सायली के साथ ही रहूँगा। और यहाँ पर एक तरह से मालिक बन जाएगी सायली।